तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कितना टाइम लगाते हो? वो गीले कपड़े थे ना, चेंज करने में टाइम लग गया। कहाँ चले गए हाथी भाई? उपटलाल कहाँ हो तुम? एक बार आके मुझे देख लो कि मैं पकड़ा गया हूँ और मिशन काला कौवा फेल हो गया है। चलो 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 चलो, चलो। देखो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, हम लोग की नजर तुम पे ही है। अभी एक काम करो, चुपचाप ये गाड़ी में बैठो और सीधा घर निकलो। चलो। ओ ड्राइवर, ये गाड़ी डायरेक्ट हाईवे पे रोकना और इनको उतार देना, ठीक है? चलो बैठो। मोबाइल क्यों फेंका? अरे शुक्र मानो कि बॉस का आज मूड अच्छा था कि तुमको मोबाइल के साथ फेंकने के लिए नहीं बोला, वरना अभी तुम भी हवा में उड़ रहे होते। और हाँ याद रखना, कोई होशियारी नहीं चाहिए, गाड़ी में बैठो और सीधा हाईवे पे टैक्सी से घर। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, हम लोग की नजर तुम पे ही है। क्या हुआ सर, क्या देख रहे हैं? अरे देख रहा हूँ कि रिसोर्ट खत्म हो गया, अभी और क्या देखना बाकी है। अरे बहुत थक गए भाई हम, चलो भारती। भारती? भारतीय नागरिक, चलो भारतीय नागरिक ऐसा बोल रहा हूँ। वो क्या है ना, हम भारतीय नागरिक हैं, जब थक जाते हैं तो चाय पीते हैं। आओ बेटी चिंतामणि, चाय पीते हैं चलो। अरे सर आप बोले तो मैं चाय यहीं मंगवा दूं। अरे इधर किधर बैठ के पिएगा चाय, इधर इतने पेड़ हैं, चाय में कुछ गिरा तो? जाओ ना भाई अपना काम करो। यही मेरा काम है, गेस्ट के साथ रहना, उनकी देखभाल करना। अरे तो रिसोर्ट में कोई दूसरे गेस्ट नहीं है, हम दोनों ही है, जाओ दूसरे गेस्ट को देखो। ठीक है सर, लेकिन आपको कोई भी चीज की जरूरत हो ना सर, तो आप मुझे याद कीजिएगा, आप मुझे अपने सामने खड़ा पाएंगे। अभी आप जाएंगे? ठीक है सर, बाय चिंतामणि जी। बहुत सवाल करता है, मुझे तो डाउट है कि ये कुंवारा होने का बहाना बनाकर हम पर नजर रख रहा है। वाह पोपट भाई वाह, आप पत्रकार नहीं चील है, चील। चील? हाँ, आपने चील जैसी नजर पाई है, कैसे फट से पहचान दिया इसको। चलो। Excuse me sir, excuse me, I'll talk to you later. Hello sir. क्या हुआ सर, अभी तक लड़के वाले आए नहीं? नहीं नहीं आए लड़के वाले, अरे उनका इंतजार करते करते मेरी बेटी और बड़ी हो गई। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि मरने से पहले चिंतामणि की शादी हो जाए। सर आप चिंता मत करिए, आप सुकून से मरेंगे। मेरा मतलब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी सर, डोंट वरी। अगेन ऑल द बेस्ट। ये लड़की कितनी मेहनत है ना, हम जहाँ जाते हैं ये वहाँ होती है। पहले मुझे इस पर डाउट था लेकिन अब नहीं है, भगवान इसको तरक्की दे। अरे अभी इसको छोड़ो, ये सोचो कि हाथी भाई को कहाँ ढूंढे, कोई अनहोनी ना हुई हो, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कोमल भाभी और गोली को क्या मुंह दिखाऊंगा। पोपट भाई हम एक काम करते हैं, रिसेप्शन पे पूछते हैं, वहाँ से हाथी भाई के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। अरे हाँ ये अच्छा आइडिया है, लेकिन उनको डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, उनको शक हो जाएगा। सोचना पड़ेगा। मिल गया आइडिया। संजना। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। सर आप वापस आ गए, कहिए मैं क्या सेवा करूं आपकी। एक काम करो, मुझे चार धाम की यात्रा करवा दो, अब यही बाकी है। अरे तुम क्या मेरा दामाद लगता है कि बार बार सेवा सेवा करता है?
दरअसल घूम घूम के ना पापा का दिमाग घूम गया है, मतलब उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। कभी सर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी तो पैर के घुटने, मतलब पैर के अंगूठे में भी दर्द होता है। हाँ, बहुत बहुत दर्द होता है। डोंट वरी सर, एक डॉक्टर है, उन्हें बुला लेते हैं। कितनी प्यारी है संजना, मेरा मतलब है कितनी समझदार है। ऐसे डॉक्टर को बुलाओ जो इस रिसोर्ट में ही रुका है। क्या है, वो मेरा इलाज कर देंगे। डोंट वरी सर, हमारे रिसोर्ट के अपॉइंट किए हुए डॉक्टर है डॉक्टर त्रिवेदी, मैं उनको बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, त्रिवेदी नहीं चलेगा। क्यों सर, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। अरे बोला ना, नहीं चलेगा। कोई बात नहीं सर, तो मैं बाहर से किसी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। बाहर से कब डॉक्टर आएगा, कब मुझे चेक करेगा, उससे अच्छा है वो एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर मालपानी, इधर रिसोर्ट में ही रुके हैं, उनको बुला लो। डॉक्टर मालपानी? हाँ, वो क्या है ना, उनसे आते जाते दो तीन बार मुलाकात हुई है। हमने जब चेक इन किया तब भी मिले थे, फिर हम खाना खाने गए थे वहां भी मिले थे। अरे वहां तो तुम भी थी। वो मेरी बेटी चिंतामणि के लिए अच्छा लड़का दिखाने वाले हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर है, बुला बुला उनको ही बुला। सर, हमारे गेस्ट की हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। कितनी समझदार है संजना, मैं कुवारा होता तो तुमसे ही शादी करता। क्या सर, आप भी मजाक करते हैं। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत मजाक तो होना ही चाहिए ना संजना, मैं क्या बोलता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आप डॉक्टर मालपानी जी को बुलाइए ना। हाँ बुला बुला, मेरे दर्द की दवा डॉक्टर मालपानी के पास ही है। लेकिन वो थोड़ी देर पहले ही चेकआउट करके गया। क्या चेकआउट करके चले गए? हमें भी ना पता। क्यों, आपको क्यों बताएंगे? क्योंकि पापा बताएंगे। चिंतामणि के कहने का मतलब है कि अभी वो इधर से चले गए हैं, तो मुझे चेक कौन करेगा, दवाई कौन देगा, बराबर ना? सर डॉक्टर त्रिवेदी है, उनसे दवाई ले लीजिए, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे लगता है अभी थोड़ी देर इंतजार करूंगा तो मेरा दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करेंगे तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, वो क्या है ना, मेरी लाइफ में सब ऐसे ही होता है अपने आप। अभी मेरे बाल देखो, ये पूरे सफेद है, पहले काले थे, मैंने सोचा कि कब सफेद होंगे, थोड़े साल इंतजार किया, अपने आप सफेद हो गए। ये मेरी बेटी है चिंतामणि, पहले छोटी थी, मैंने सोचा कब बड़ी होगी, थोड़े साल इंतजार किया, अपने आप बड़ी हो गई। मैं कुछ करता नहीं, खाली इंतजार करता हूँ, सब अपने आप हो जाता है। आप बड़े फनी है सर, आपके जैसे ससुर नसीब वाले को मिलेंगे। ओ डैमेजर, अरे मैनेजर, ससुर वसुर मत करो। चलो बेटी, मैं थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। चलो संजना। ये राजमणि अंकल बड़े फनी है ना। वैसे तो होटल खाली है, लेकिन इनको देख के मनोरंजन हो जाता है। बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, वरना हाथी भाई ऐसे बिना बताए चेकआउट करके नहीं जाते हैं। हाँ पोपट भाई। पोपट भाई नहीं, राजमणि। सॉरी सॉरी सॉरी। बोलो। मुझे तो लग रहा है वो काला बाजारियों को हाथी भाई की असलियत पता चल गई होगी। तो उन्हें ऐसे चेकआउट करके जाने देते, उनको किडनैप कर लिया होता। जरूर कुछ और हुआ है। क्या? वही तो समझ में नहीं आ रहा। तो अब क्या करें? मुझे तो कुछ नहीं सोच रहा। हाथी भाई तो चले गए, हम भी वापस घर चले? नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। सबसे पहले हाथी भाई के कमरे में जाके चेक करते हैं, वो जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ के गए होंगे। हाथी भाई के कमरे में कैसे जाएंगे हम?
उसके लिए चाबी चाहिए और हमें उनके कमरे की कोई चाबी देगा भी नहीं। चिंतामणि, तुम इस एक ही मिशन में ग्रेजुएट हो जाओ। चलो बताता हूँ हाथी भाई के रूम में कैसे घुसेंगे। हेलो रिसेप्शन, मैं रूम नंबर 2002 से राजमणि बात करता है। हाँ राजमणि सर, बोलिए। मैं मैनेजर ऋषि बोल रहा हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैनेजर है, इधर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैनेजर, हमारे रूम का एसी ठीक से काम नहीं करता है। कोई बात नहीं सर, मैं अभी मेंटेनेंस वाले को भेजता हूँ, वो ठीक कर देगा। नहीं, सिर्फ एसी का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा भी बहुत प्रॉब्लम है रूम में। वो टीवी कभी भी आता है कभी भी जाता है, फोन कभी चलता है कभी नहीं चलता है, फ्रिज में कुछ ठंडा नहीं होता है। मेरे को तो लगता है इस रूम के वास्तु में ही गड़बड़ है। मेरे को इधर बहुत बीती लगता है, हमको रूम बदली करना है, हमको दूसरा रूम दे दो। दूसरा रूम? तुमने बोला ना अभी वो रूम नंबर 1010 खाली हुआ है, तो हमको वो रूम दे दो। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी टेक्नीशियन को भिजवाता हूँ, वो आपके सारे प्रॉब्लम दूर कर देगा। अरे तुमको अभी बोला ना हमको इधर बहुत बीती लगता है, वैसे तो पूरा टाइम क्या सेवा करूं बोलता है, और अभी सेवा करने का मौका देता है तो सेवा करने के बजाय बात को गोल गोल घुमाता है। ठीक है सर, मैं अभी आपको रूम दिखा देता हूँ, मैं चाबी लेकर आता हूँ, आप रूम के पास पहुँचिए। हाँ। क्या हुआ सर? राजमणि अंकल भी अजीब है, अब कह रहे हैं कि रूम बदलना है, मैं अभी आता हूँ। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए सर, इसी बहाने चिंतामणि जी से फिर से मुलाकात हो जाएगी। नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसा है तो लाइए चाबी मुझे दीजिए, मैं रूम दिखा देती हूँ। अरे तुम कितना काम करोगी, जब देखता हूँ यहाँ वहाँ दौड़ती रहती हो। तुम रुको मैं जाता हूँ। सर आप मैनेजर है, मैनेजर होके ये काम करेंगे अच्छा नहीं लगता है। चाबी मुझे दे दीजिए, मैं दिखा देती हूँ। हाँ हाँ सर, दीप्ति जाएगी ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ये रूम है, ये इधर स्विमिंग पूल है, और आपके रूम में ज्यादा फर्क नहीं है, आपका डबल बेडरूम है और ये सिंगल। नहीं बराबर है, लेकिन एक बात बता, तुम ऐसे शॉपिंग के लिए जाती हो, साड़ी बीड़ी खरीदती हो, तुमने एक साड़ी खरीदा, बाद में तुमको लगा कि अभी बदली करना है, तो तुम दुकानदार के पास जाके बोलती हो कि ये साड़ी बदली करना है। दुकानदार कितना भी बोले अच्छा है अच्छा है, तुम उनकी बात सुनती हो। वाह सर, सर अब सर के अंदर बात उतर गई ऐसा बोलना चाहती हो ना बेटी? वैसे ये रूम छोटा है लेकिन अच्छा है ना पापा? हाँ लेकिन पहले रूम चेक कर लेता हूँ, क्या है ना बाद में लफड़ा नहीं मांगता है, ड्रॉअर भी और खोलता है कि नहीं देखना पड़ेगा ना। मैं देखता हूँ ये ड्रॉअर भी और चलता है कि नहीं। सर सब ठीक है। अब वो कचरा चेक कर रहे हैं कि कचरा है या नहीं, उन्हें क्लीन रूम पसंद है ना जी। रूम तो ठीक है। वैसे सर आपका दर्द ठीक हो गया ना? कौन सा दर्द? सर कुछ देर पहले आप डॉक्टर ढूंढ रहे थे। अरे हाँ हाँ हाँ, वो क्या है ना मैं वहाँ से रूम के अंदर आया ना, तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली और बोली, ए राजमणि, इस उम्र में दर्द नहीं होता है, सिर्फ वहम होता है, अपने को खाली लगता है, सर में दर्द है, दिल में दर्द है, इधर दर्द उधर दर्द, लेकिन दर्द बिरद होता नहीं है। मैं जाके बाथरूम चेक करके आता हूँ। सर सब बराबर ही है। हाँ लेकिन गर्म पानी आता है कि नहीं एक बार देख लेता हूँ।
क्या है ना, बाद में रूम बदलने की मगजमारी नहीं चाहिए। ठीक है सर, एज़ यू विश। फील्ड मतलब हाथी भाई पकड़े गए थे। अरे ये पेन, मानना पड़ेगा हाथी भाई, जाते जाते भी आप मिशन काला कौवा को जिंदा रखकर गए हैं। ये पेन यहां रखा है मतलब जरूर इस पेन में कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है। अरे ये हाथी भाई का लिखा मिटाना पड़ेगा। वैसे आप कहाँ रहते हैं? ये आपके रिजॉर्ट में? मेरा मतलब रिजॉर्ट में तो आप कुछ दिनों के लिए आए हो, वैसे कहाँ रहते हो? अपने घर में। हाँ लेकिन आपका घर कहाँ है? हमारी बिल्डिंग में। बिल्डिंग कहाँ है, पता क्या है आपका? रिसेप्शन पे दिए है ना एड्रेस, आप क्या इतने सवाल कर रहे हैं? सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। कैंसल कैंसल भैया, रूम में रहना कैंसल। क्यों, क्या हो गया सर? मैंने बाथरूम में एक लाल चींटी देखी, अभी एक है लेकिन शाम तक 500,000 हो जाएगी। मैं धोती पहनता हूँ, चींटियां धोती में घुस गई तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, इस रूम में नहीं रह सकते। मुझे लगता है डॉक्टर मालपानी भी चींटियों की वजह से परेशान होके चले गए। पापा मैंने पहले ही कहा था हमारा रूम बेस्ट है। क्या आप भी खामखा मेहनत करवाते हैं? सॉरी। हाँ अरे सर, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन, आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है। हाँ, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सर। तो अब फाइनली आप अपने रूम में रहना पसंद करेंगे ना? हाँ हाँ, वही रूम ठीक है। चलो चिंतामणि आओ। बेटी चिंतामणि, अपना रूम ही अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। यू आर वेलकम, हैव अ नाइस डे। अरे सर, रिजॉर्ट में एक राजमणि और चिंतामणि नाम के बाप बेटी आए हुए। वो बहुत फनी है, हर वक्त उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आते रहता है। वो लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाप तो बेचारा सारा दिन अपनी बेटी की शादी की टेंशन में भटकता रहता है, और हमारा मैनेजर उसकी बेटी के पीछे लट्टू हो गया। ठीक है, जरा ध्यान रखना। जी सर। और वो डॉक्टर मालपानी? उन्होंने चेकआउट कर लिया और वो चले गए, अब कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, फिर भी ध्यान रखना, हमें और कस्टमर्स का भी इंतजार है। और हाँ, जल्द से जल्द हमें हमारा कोड वर्ड या माइकल, दो में से किसी एक को बदलना होगा। यस सर। एक बार डील हो जाए बाद में हम यहाँ से मूव कर जाएंगे। ओके। तो तीन चीजें कभी नहीं बदलती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य अटल होता है और सत्य हमेशा सूरज की तरह रोशन होता ही है। कालाबाजारी ने डॉक्टर हाथी भाई को खेल से आउट करके पोपटलाल को मात दे दी, लेकिन होशियार हाथी ने हिडन कैमरे वाला पेन पोपटलाल के लिए छोड़ दिया है। अब अकेले पोपटलाल मिशन काला कौवा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? मिशन आगे बढ़ेगा या कौवा उड़ जाएगा? वैसे आपको एक हिंट दे देता हूँ, डॉक्टर हाथी गए हैं लेकिन अब जेठालाल आने वाले हैं मिशन काला कौवा पूरा करने के लिए। जेठालाल कैसे आएंगे, क्या करेंगे, स्टिंग ऑपरेशन होगा कि नहीं, कालाबाजारी पकड़े जाएंगे कि नहीं, जितने सवाल उतने ही ठाके, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों, कल ईद उल फितर का त्यौहार है, हमारे सभी मुस्लिम भाई बंधुओं को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें और यूं ही हंसते रहें और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।